खबर शामिल करते हैं। इस्लामाबाद वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 26वें आईनी तरमीम का मकसद ईवान की इज्जत और वक्कार बहाल करना है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अदलिया के जजों का एहतसाब ये ईवान करेगा। 17 बंदों से पावर लेकर पार्लियामेंट को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 MNA जो ईवान में पहुंचे हैं उन्होंने PTI के टिकट पर नहीं आजाद इलेक्शन लड़ा। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने कहा उन्हें सिर्फ जस्टिस काजी फाइस ईसा और फौजी अदालतों पर इख्तिलाफ है और बाकी सब नुकात से इत्तेफाक है। उनके लीडर नहीं माने तो अब खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं। वजीर दिफा का मजीद कहना था कि अदलिया के जजों का एहतसाब ये ईवान करेगा। अदलिया सियासी पार्टी बन चुकी है। ये कहते थे कि अक्टूबर में अपना बंदा ला रहे हैं, इंशाल्लाह अक्टूबर में भी यही हुकूमत और यही ईवान होगा। उनका मजीद कहना था कि जस्टिस काजी फाइस ईसा वाहिद आदमी है जिन्होंने अदलिया की इज्जत बहाल की, इसलिए वो इज्जत से घर जा रहे हैं।